यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडिया में BTS की पॉपुलैरिटी हर दिन के साथ बढ़ रही है, ये तो हम इस साल की YouTube लिस्ट देखकर समझ ही गए हैं। और हमेशा की ही तरह BTS आर्मी का एक ही सपना था कि BTS इंडिया के घर घर तक पहुँचे। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ये सुनकर आप थोड़ा शॉक फील कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है। और हम इस मजेदार न्यूज को आपके साथ शेयर करें उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की इतनी ही अमेजिंग न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, 2019 तक ओल्ड आर्मी ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके फेवरेट बांग्टन मेंबर्स न सिर्फ इंडिया के घर घर तक पहुंच जाएंगे, बल्कि इंडियन आर्मी में उनकी दीवानगी इस कदर बढ़ जाएगी कि सभी उनके कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार करेंगे। वहीं जहां लास्ट ईयर तक इंडिया में तेते की दीवानगी आर्मी के सर चढ़कर बोल रही थी, यानी हमारे मोस्ट हैंडसम मेंबर तेते इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, वहीं अब इंडिया में हमारे क्यूट हनी बनी जोंगकुक का क्रेज दिनों दिन बढ़ रहा है। इजी वर्ड्स में कहें तो अब इंडिया में जोंगकुक सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। यही रीजन है कि जो BTS को नहीं भी जानते वो भी जोंगकुक को जानते हैं और उनके फैशन और स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, बल्कि इंडियन सर्वे कह रहा है कि अब इंडियन आर्मी कुकी की दीवानी हो गई है। वेल, रिसेंटली साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया जिसमें पूछा गया कि कौन सा केपॉप आर्टिस्ट और कौन सी वेब सीरीज इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले रहे। यानी लास्ट ईयर तक जहां वी नंबर वन की पोजीशन पर थे, वहां अब जोंगकुक पहुंच गए हैं। वहीं हमारे मोस्ट हैंडसम डिंपल बॉय यानी RM को इंडियन आर्मी ने इतना प्यार दिया कि वो सेकंड नंबर की पोजीशन पर पहुंच गए, जिसका पर्सनली मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कि कब RM फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर पहुंचेंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे लिए सभी मेंबर्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम RM, J-Hope और सुगा को सबसे कम वोट मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उन्हें डिमोटिव करता होगा। वहीं अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो वी थर्ड नंबर पर रहे और जिमिन फोर्थ नंबर पर रहे, वहीं J-Hope और सुगा फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर पर रहे, वहीं किंग्स ऑफ जिन सेवेंथ नंबर पर रहे। इसके अलावा इंडिया में स्क्विड गेम को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। दोस्तों, आप भी मेरी ही तरह BTS मेंबर्स को OT7 मानते होंगे, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा होगा जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते होंगे, यानी कोई एक मेंबर आपका 22 होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ अपने 22 का नाम लिखकर भेजें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है। वेल, मुझे पता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए ही होगा, तो मुझे RM सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे RM का कॉन्फिडेंस मोटिवेट करता है, साथ ही वो टॉल और हैंडसम होने के साथ साथ उनके डिंपल भी हैं। इसके अलावा मुझे हमारे क्यूट कुकी भी बेहद पसंद है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नॉटी हैं। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि जोंगकुक की दीवानगी कोचिंग सेंटर से लेकर ब्यूटी पार्लर तक है, और जब भी किसी भी न्यूज़पेपर में BTS की बात होती है तो जोंगकुक की ही पिक्चर शो की जाती है। वेल, अब तो बस BTS के इंडिया आने का इंतजार है, और वो भी पता नहीं कब होगा। होपफुली इस साल के एंड तक BTS इंडिया आ ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे ओ।